तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यू वी रिएक्शन। तो दोस्तों आज आपका बीपीएल से रिएक्शन करने जा रहा है एक बड़ी ही मजे की वीडियो के ऊपर। और इस वीडियो का जो टाइटल है ये होने वाला है बिहाइंड रियलिटी बिहाइंड द माइग्रेशन ऑफ पंजाबी यूथ टू कैनेडा। और ये है नितेश राजपूत की और ये हिंदी में होने वाली है और इसको लिया जा रहा है वीडियो नितेश राजपूत के ऑफिशियल चैनल से। तो चले बढ़ते हैं आज के सिलेक्शन की तरफ। और इस सिलेक्शन के ऊपर जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरे इस चैनल को तो काइंडली आपके इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की मजे मजे की वीडियोस बनाता रहा करूं। तो चले जी बढ़ते हैं आज के सिलेक्शन की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। देखिए इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में 1.72% सिख हैं, वहीं कनाडा की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें 2.1% सिख रहते हैं। मतलब कि परसेंटेज वाइज कंसीडर करें तो इंडिया से ज्यादा रहते हैं और इंडिया के पार्लियामेंट से ज्यादा सिख मिनिस्टर जो हैं वो कनाडा के पार्लियामेंट में बैठते हैं। अब बात यह है कि ऐसे क्या हालात बने कि सिख जो है उनको कनाडा माइग्रेट होना पड़ा, वो भी इतने बड़े नंबर में। इंडियन हिस्ट्री के अंदर में सिख और कनाडा का आखिर कनेक्शन क्या है, ये जो खालिस्तान का मुद्दा है ये इंडिया के बाहर कैसे स्टार्ट हुआ और ऐसी क्या मजबूरी रहती है कनाडा के पॉलिटिशियंस की कि खालिस्तान के मुद्दे पे उनको चुप रहना पड़ता है। अच्छा तो देखिए इन सब चीजों की शुरुआत होती है ईयर 1897 में। इस टाइम पे इंडिया और कनाडा दोनों ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे और दोनों ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे। अब लेकिन क्योंकि कनाडा में गोरे थे तो ब्रिटिशर्स जिस तरीके से इंडियंस को ट्रीट करते थे उस तरीके से कनाडा के लोगों को नहीं करते थे। इंडिया के कनाडा में लोग काफी हद तक फ्री थे और कनाडा का जो डेवलपमेंट भी था वो इंडिया से ज्यादा हो रहा था। तो होता क्या है कि 22 जून 1897 को यूके के अंदर क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली सेलिब्रेट होनी थी और जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें सिख रेजिमेंट भी थी जिसको मिसालदार मेजर केसूर सिंह लीड करते थे। तो ये जो क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली सेलिब्रेट होनी थी इसके लिए ये डिसाइड हुआ कि ये जो ब्रिटिश आर्मी है इसमें से ये जो सिख रेजिमेंट है ये भी शामिल होगी। अब वहां शिप से जाना था और क्योंकि बाकी कंट्रीज के जो सोल्जर्स थे वो भी शिप में थे तो लौटते टाइम आर्मी को वैनकूवर कनाडा से होते हुए वापस आना था। तो मई 1897 को ये लोग निकलते हैं, 22 जून को सेलिब्रेशन अटेंड करते हैं और ये उस टाइम की सेरेमनी की फोटो है। और जब ये सेलिब्रेशन खत्म हो जाता है तो इसके बाद ये लोग वैनकूवर जो कि कनाडा में है वहां पहुंचते हैं। अब सिख रेजिमेंट में जितने भी थे इंक्लूडिंग केसूर सिंह उनको कनाडा काफी पसंद आया और वापस आने के बाद उन्होंने अपनी कम्युनिटी में कनाडा के बारे में बहुत लोगों को बताया कि कैसे वहां पे लोग रहते हैं, वहां क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किस लेवल की फ्रीडम है, इन सब के बारे में बताया। मेजर केसूर सिंह जो थे जो इस पूरी रेजिमेंट को हेड करते थे उनको कनाडा के अंदर पहला सिख सेटलर भी माना जाता है। अब होता क्या है कनाडा के अंदर एग्रीकल्चर मिल्स माइंस और रेलवे वगैरह जो थे वहां पे काम चल रहा था और वहां पे लेबर्स की जरूरत पड़ती थी। तो इसके ठीक एक महीने बाद जब दोबारा मौका मिलता है तो पंजाब से लेबर और कुछ ब्रिटिश सोल्जर जो थे वो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया पहुंचते हैं कि काम करेंगे और पैसा कमा के वापस आ जाएंगे। ये देखिए इंडिया से ये इधर कनाडा है और ये कनाडा के अंदर ये इस साइड ब्रिटिश कोलंबिया है और इस साइड ऑन्टेरियो है। तो मेनली इन्हीं एरियाज में माइग्रेशन भी हुआ। अभी भी आप अगर देखोगे तो सिख जो है वो कनाडा के अंदर इन्हीं इलाकों में ज्यादा रहते हैं। तो ये फोटो है जब ये लोग वहां पे पहुंचते हैं तब की। अब कनाडा के अंदर जो गोरे थे वो पहले से ही काफी ज्यादा पैसे में काम करते थे और जब ये लोग वहां पे गए तो इन लोगों ने कम पैसे में ज्यादा काम किया। तो ये कंपनी की पहली प्रेफरेंस बन रहे थे और जिसको देख के जो वहां की लोकल जनता थी वो अनकंफर्टेबल हुई क्योंकि उनकी जॉब खतरे में आ रही थी। और इधर इंडियंस को जो पैसे मिल रहे थे वो भले ही कम मिल रहे थे लेकिन उनके लिए वो भी बहुत ज्यादा थे। और उससे भी बड़ी चीज थी कनाडा के अंदर जाके इंडियंस जो थे वो पहली बार उन्होंने इंडिपेंडेंस फील की और देखा कि फ्री रहकर काम करना कैसा होता है क्योंकि इंडिया के अंदर वो इस तरीके से काम नहीं कर पा रहे। और जब ये लोग कनाडा से काम करके वापस पंजाब पहुंचते हैं तो पंजाब के एरिया में बात फैलने लगी कि कनाडा के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, वहां कमाने के रास्ते बहुत ज्यादा हैं और यहां से पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं, फ्रीडम भी ज्यादा है। जिन घरों से सिख कनाडा गए थे धीरे धीरे पैसे आने की वजह से वो घर जो थे वो आगे बढ़ने लगे थे। अच्छा। तो फिर यहां से भी लोग स्पेशली पंजाब से कोशिश करने लगे कनाडा में जाके काम करने की। इनिशियली सबका यही प्लान था कि वहां जाके पैसे कमाने और फिर इंडिया वापस आना है। बेसिकली इंडिया छोड़ने का ये लोग उस टाइम पे नहीं सोच रहे थे। इसके बाद ईयर 1908 आते आते 5200 लोग इंडिया से कनाडा पहुंच गए थे। इसमें 90% सिख थे, ये ईयर वाइज डेटा है, ऐसे पहुंचे थे। अब देखिए जो सिख यहां से जाके वहां पे पैसा कमा रहे थे, वहां पे जाके काम कर रहे थे कम पैसे में, तो इसकी वजह से लोकल लोगों को कम प्रेफरेंस मिल रही थी और ये चीज उनको पसंद नहीं आ रही थी। तो इस पूरी चीज को वहां की जो मीडिया थी उसने नाम दिया हिंदू इन्वेजन। वहां के जो लोकल लोग थे वो जितने ब्राउन कलर के लोग थे उनको हिंदू ही बोलते थे, चाहे वो सिख हो या फिर किसी और कम्युनिटी के हो, अगर ब्राउन है तो उनको हिंदू ही बोलते थे। और जो लोकल लोग थे जब इनकी वोटिंग की बात चल रही थी तो उसको भी बंद करा दिया था, ये उस टाइम का आर्टिकल है। लेकिन एक चीज थी कि वहां जाने के बाद भी जितने भी सिख थे उन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। जैसे वो पंजाबी में बात करते थे,
इंडिया का जो पंजाब था उनसे कनेक्टेड रहते थे। उन्होंने अपने पैसे इकट्ठे करके गुरुद्वारे भी खोले और चाहे किसी भी कंट्री का आदमी हो सबके लिए लंगर खुला था। वहां पे वो लोग बड़ी जॉब्स नहीं करते थे, छोटी जॉब ही करते थे, लेकिन उसके बाद भी जैसे इंडिया में गुरुद्वारे चलते थे वैसे ही चलवाए। पहला गुरुद्वारा 1905 में खुला, उसके बाद दूसरा जो गुरुद्वारा खुला था वो 1908 में खुला था। और ये जो गुरुद्वारे खुले थे इसकी वजह से पूरी सिख कम्युनिटी कनेक्टेड थी। सब लोग यहाँ पे प्रेयर के टाइम पे मिलते थे और कोई इंडिया से भी आता था तो उसके लिए आराम रहता था, उसको तुरंत जॉब ढूंढने का प्रेशर नहीं रहता था, वो आराम से उसको थोड़ा टाइम मिल जाता था जॉब ढूंढने के लिए। और कनाडा के अंदर जो ऑलरेडी सिख कम्युनिटी रहती थी वो लोग चाहते भी थे कि इंडिया से ज्यादा लोग आए। अब सिख कम्युनिटी जो वहां पे आके डबल मेहनत करके पैसा कमा रही थी, इससे जो कनाडा के लोकल लोग थे उनके साथ उनका कॉम्पिटिशन होने लगा। और यही रीजन था कि जो वहां के लोकल लोग थे जो पहले से काम कर रहे थे वो सिख कम्युनिटी से खुश नहीं थे। उन्होंने इन्हीं सब वजह से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट किया उनके साथ। और क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट नहीं थे तो पॉलिटिशियन भी लोकल लोगों को सपोर्ट ज्यादा करते थे। और ये चीज इतनी बढ़ गई थी कि ईयर 1907 में वैनकूवर के अंदर दंगे हुए, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हुई, कई लोगों की जान भी गई, चोट लगी। ये उस टाइम की इमेज है। और ये जो दंगे हुए थे इसके बाद लोकल लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने अपने नेताओं के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया कि ये इतनी तेजी से हमारे देश में आके हमारी जॉब खा रहे हैं, इनके लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई जाए वरना वोट मिलेंगे नहीं आपको। दो साल कंटिन्यूस प्रेशर बनाने के बाद कैनेडियन पॉलिटिशियन और लोकल अथॉरिटी हरकत में आई और काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना दी उन्होंने। और हाल ये हो गया कि जहां पे इतने सारे इंडियंस आ रहे थे कनाडा में, ईयर 1909 में सिर्फ 6 इंडियंस ही कनाडा पहुंच पाए। अच्छा। देखिए पॉलिसी तो इन्होंने बना दी थी लेकिन जो लोकल अथॉरिटी थी उनको यूके से परमिशन लेना कंपलसरी था। अब यूके के सामने अच्छा। दिक्कत ये थी कि वो ऐसे रंग के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती थी। कनाडा और इंडिया दोनों ब्रिटिश की कॉलोनी थी तो वो भेदभाव नहीं कर सकती। तो फिर इसका सोल्यूशन निकालने के लिए एक ट्रिक यूज की गई जिससे भेदभाव भी नहीं हुआ और सिख आने से भी रुक गए। इन्होंने कुछ लॉ पास किए। पहला, जो भी इमिग्रेंट कनाडा आएगा उसके पास $200 होने चाहिए। अच्छा। ये उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा था। एक इंडियन की जो एवरेज अर्निंग थी वो 10 सेंट थी तो उसके लिए $200 देना बहुत ही बड़ी बात थी। जबकि ये अमाउंट बाकी कंट्री के लिए बहुत कम था। दूसरी चीज, इंडिया से कनाडा के लिए कोई भी शिप डायरेक्ट नहीं आती थी, लंबा रास्ता था तो बीच में रुकना पड़ता था। तो इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया। तो इन्होंने ये रूल लगाया कि कनाडा सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो अपनी सिटीजनशिप वाली कंट्री से एक कंटिन्यूअस रूट के थ्रू कनाडा आएंगे, यानी बिना कहीं रुके। और तीसरा रूल था कि जो टिकट्स है कनाडा पहुंचने के लिए, जो शिप से टिकट खरीदने हैं वो जर्नी करने से पहले ही खरीदने होंगे। और ये इसलिए था ताकि ब्रिटिशर्स को पहले से ही पता चल जाए तो वो टिकट खरीदने में कुछ ना कुछ इशू कर दें। ये उस टाइम का ओरिजिनल ऑर्डर है। अब इससे एक इशू तो ये हुआ कि इंडिया से कोई आ नहीं सकता था। और दूसरी दिक्कत ये थी कि जो इंडियंस पहले से कनाडा में रह रहे थे उनके बच्चे फैमिली सबसे वो कट गए थे, वो लोग कनाडा आके उनसे मिल नहीं पा रहे थे। तो ये सारे जब रूल्स आए तो इसकी वजह से इंडिया से जो लोग कनाडा जाते थे वो तो बंद हुआ ही हुआ। इतना ज्यादा गैप हो गया था, फैमिली से लोग नहीं मिल पा रहे थे तो जो कनाडा में रह रहे थे वो लोग भी वापस इंडिया चले गए। ईयर 1908 अच्छा। से लेके 1911 के बीच में ब्रिटिश कोलंबिया में इंडियन पॉपुलेशन आधी हो गई थी और कई साल तक यही चलता रहा। लेकिन इसके बीच में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से कनाडा के अंदर इतनी रिस्ट्रिक्शन होने के बाद भी एक सिख ने कनाडा की धरती पे जन्म भी लिया और उसको वहां पे सिटीजनशिप भी मिल गई। एक्चुअली बलवंत सिंह नाम के एक सिख थे जो काफी पहले ईयर 1906 में कनाडा आए थे। कुछ साल बाद जब ये सेटल हो गए कनाडा में तो ईयर 1912 में इनकी वाइफ भी कनाडा आ रही थी। लेकिन कनाडा के रूल्स की वजह से इनकी वाइफ को कनाडा के बॉर्डर पे ही डिटेन कर दिया गया, मतलब कि बॉर्डर पे ही रोक दिया गया। और कई दिन तक इनका केस जो था वो कोर्ट में भी चला। लेकिन क्योंकि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो उनको उस हालत में वापस नहीं भेजा जा सकता था इतनी लंबी जर्नी में। तो कनाडा अथॉरिटी ने एक्ट ऑफ ग्रेस का नाम देकर कनाडा में रहने की परमिशन दे दी। और 28th ऑफ अगस्त ईयर 1912 को इनका एक बच्चा होता है जिसका नाम था हरदयाल सिंह अतवाल। ये वैनकूवर के सिख टेंपल में पैदा हुए। ये कनाडा के अंदर सिख फैमिली फॉर्मेशन का सबसे पहला एग्जांपल था। और ये ओरिजिनल इमेज है फैमिली। अब ईयर आता है 1914। एक सिख बिजनेसमैन थे गुरदीप सिंह, ये काफी रिच थे और इनके लिंक्स भी बहुत अच्छे थे। इन्होंने कहा कि कनाडा की अथॉरिटी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है और जब तक हम लोग कनाडा में जाके इस चीज को चैलेंज नहीं करेंगे तो कनाडा के रास्ते हम लोगों के लिए कभी नहीं खुलेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हांगकांग से एक शिप रेंट किया जिसका नाम था कोमागाटा मारू। और ये जो शिप थी इसमें इंडियंस को लिया, टोटल 376 इंडियंस अच्छा। थे, इसमें ज्यादातर सिख थे, ये वो इमेज है। और इन्होंने जो सिख थे उनको $200 भी दिए साथ में ताकि रूल फॉलो हो सके। अब जब ये शिप जा रहा होता है तो ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है और कनाडा तक पहुंच जाती है। कनाडा की न्यूज तक में चलने लगता है कि ब्राउन लोग इस तरीके से आ रहे हैं और इसको वो लोग ब्राउन इन्वेजन के नाम से न्यूज चलाने लगे। तो ये जो शिप था इसके कनाडा पहुंचने से पहले ही कनाडा की जो अथॉरिटी थी उसने अपना लीगल वर्क स्टार्ट कर दिया। कनाडा में जो सिख रह रहे थे वो चाहते थे कि ये जो शिप है ये कनाडा के अंदर आए और इसमें जो लोग हैं वो कनाडा में पहुंचे, क्योंकि उनकी फैमिली वाले भी थे इसमें। लेकिन जब ये शिप पहुंचता है कनाडा के बॉर्डर पे तो इसको वहीं रोक दिया जाता है। वहां की अथॉरिटी कहती है कि जो शिप है ये रूल फॉलो नहीं कर रही है। और ये जो शिप थी इसके अंदर 376 लोग थे, उसमें से सिर्फ 23 लोगों को कनाडा ने अपनी कंट्री में आने दिया, बाकी सबको मना कर दिया। और शिप के अंदर जो लोग थे वो 2 महीने तक उसी बॉर्डर पे रहे,
उन्होंने लीगल बैटल भी लड़ी, लेकिन 2 महीने के बाद कनाडा ने शिप को वापस भेज दिया। अब ये जो शिप था ये 26 सितंबर को कलकत्ता पहुंचता है, तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने पहले तो तलाशी वगैरह ली सबकी। उसके बाद ब्रिटिशर्स चाहते नहीं थे कि जितने भी सारे लोग हैं ये कलकत्ता में एक साथ रुकें, तो लोग चाहते थे कि ट्रेन से पंजाब भेज दिया जाए इनको। लेकिन जिसमें जो मुजीत सिंह थे उन्होंने ट्रेन में जाने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हमारे पास गुरु ग्रंथ साहिब है। लेकिन जब जबरदस्ती करके भेजा जाने लगा तो वहां पे आपस में लड़ाई हो गई और ब्रिटिशर्स ने फायरिंग कर दी इस चीज को लेकर, जिसमें 23 से 40 लोगों की जान चली गई। इतना बड़ा इंसिडेंट था कि मई 2008 में ब्रिटिश कोलंबिया ने एक मोशन पास किया और कोमागाटा मारू के पैसेंजर्स के लिए माफी मांगी। अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा जब 108th एनिवर्सरी आई थी कोमागाटा मारू की, तो उस पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी माफी मांगी थी। अब देखिए जो टाइम चला था, इस टाइम पे इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उनका एक्सप्लॉयटेशन डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा था, और जो सिख कम्युनिटी थी वो भले ही पैसा कमाने के लिए देश के बाहर रह रही थी लेकिन इंडिया को लेकर काफी पेट्रियोटिक थे लोग। और ये वो टाइम था जब काफी ज्यादा सिख ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए कनाडा से छोड़ छोड़ के इंडिया पहुंच रहे थे, और जो कनाडा के अंदर भी बचे हुए थे उन्होंने वहीं पे रुक के ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट शुरू कर दिया था। और सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि ईयर 1913 में ज्वाला सिंह और लाला हरदयाल सिंह जी ने यूएस के अंदर एक जगह ढूंढी और पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन इस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इसके बनाने के पीछे जो मोटिव था वो ये था कि यूएस और कनाडा के जो इंडियंस हैं वो मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन करेंगे और आवाज उठाएंगे ताकि इंडिया को आजादी मिल सके। तो सबसे पहले तो इन्होंने 436 हिल्स स्ट्रीट पे एक प्रिंटिंग प्रेस खोली और वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश करना चालू किया जिसका नाम था द गदर। इस न्यूज़पेपर ने बहुत ही बड़ा काम किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफी बड़ा नैरेटिव सेट किया, लोग यूनाइट किए, आज भी लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो इस प्रेस में हरदयाल सिंह प्रिंटिंग करते थे और जो करतार सिंह थे वो पूरा ऑपरेशन भी देखते थे इस प्रिंटिंग का और लिखते भी थे कभी कभी। तो 1 नवंबर 1913 में ये लोग अपना पहला न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं जिसका टाइटल था अंग्रेजी राज का दुश्मन। और ये जो टाइटल था जो भी इनका न्यूज़पेपर पब्लिश होता था उस सब पे लिखा जाता था। इस न्यूज़पेपर में इन लोगों ने कई तरीके के डिक्लेरेशन भी दिए थे कि ब्रेव सोल्जर्स चाहिए जो इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सके। एक जॉब की तरह आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें इन्होंने पे लिखा था, उसके सामने लिखा था कि डेथ, और प्राइस क्या होगा उसके सामने लिखा था शहीद, और पेंशन क्या होगी उसके सामने लिखा था लिबर्टी, और फील्ड ऑफ बैटल के सामने लिखा था इंडिया। ये न्यूज़पेपर बहुत तेजी से पूरे वर्ल्ड में फेमस होने लगा था और इतना फेमस हुआ कि ये जो पार्टी थी पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन इसको ही लोग द गदर बुलाने लगे। इन्होंने एक अलग से पोस्टर भी बनवाया था जो कि पंजाब में लगवाया इन्होंने, उसमें लिखा था जंग द हॉका, यानी कि युद्ध की घोषणा। अब इसके एक साल बाद 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, तो गदर पार्टी के जो लीडर थे उनको लगा कि ये टाइम सबसे बेस्ट है ब्रिटिशर से आजादी लेने का। तो गदर पार्टी ने क्या किया कि 22 अगस्त 1914 को खुद इंडिया गए और बाकी पूरे वर्ल्ड में जितने इमिग्रेंट्स थे उनको भी बोला कि आप इंडिया पहुंच जाइए। इस चीज का काफी इंपैक्ट पड़ा था, तो कनाडा, यूएस, हांगकांग, शंघाई, पूरी दुनिया से जितने भी इंडियंस थे वो इंडिया वापस आने लगे। हालात ये हो गए थे कि कनाडा के अंदर सिर्फ 965 सिख ही बचे थे। गदर पार्टी का इंपैक्ट जो था वो बहुत ही बड़ा था, आगे चल के ब्रिटिशर्स ने इनको स्लो कर दिया, लेकिन इस रिवॉल्यूशन ने एक चिंगारी उठा दी थी इंडिया के अंदर जिसको आगे चल के भगत सिंह और बाकी फ्रीडम फाइटर ने भी आगे बढ़ाया। अब इसके बाद कई सारी लड़ाइयां लड़ने के बाद हमें आजादी तो मिलती है, लेकिन आजादी के बाद इंडिया बहुत सारी प्रॉब्लम से लड़ रहा था, कई सारी फूड की शॉर्टेज भी हो गई थी उससे भी लड़ रहा था। तो इंडियन जो थे वो दोबारा से कनाडा में पहुंचने लगे, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस वही थी, तो इन लोगों ने इलीगल रास्ता भी निकाला और ये रास्ता था वॉशिंगटन ब्रिटिश कोलंबिया बॉर्डर। लेकिन आगे चल के कनाडा को इसके बारे में पता चल जाता है और ये रास्ता भी बंद हो जाता है। अब इसके बाद ईयर आता है 1961 और कनाडा के अंदर लिबरल पार्टी, जिस पार्टी के जस्टिन ट्रूडो हैं अभी, ये पार्टी आती है पावर में, और ये पार्टी इमिग्रेंट्स को लेके काफी सॉफ्ट थी, ये फ्री स्पीच, लिबर्टी को प्रमोट करती थी। और इसके आने के बाद इंडियन सिख के लिए कनाडा जाना काफी आसान हो गया था क्योंकि इन्होंने रिस्ट्रिक्शन जो थी वो बहुत ही ईजी कर दी थी। इस पार्टी के आने के बाद ईयर 1981 में 67,000 से भी ज्यादा लोग कनाडा में पहुंचे थे और 3,000 से भी ज्यादा सिख जो थे उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिल चुकी थी, और ये नंबर बहुत ही तेजी से डे बाय डे बढ़ रहा था। कनाडा भी इतना इमिग्रेशन इसलिए अलाउ कर रहा था क्योंकि उनकी भी मजबूरी थी, उनको वर्कफोर्स जो था उसकी बहुत जरूरत थी और वो भी सस्ते में काम करने वाले। तो 1980s तक कनाडा के अंदर सिख जो थे वो एक बहुत ही बड़ी और इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी बन गए थे, लेकिन उसके बाद भी ये लोग अपने कल्चर को छोड़ना नहीं चाहते थे, तो ये लोग ट्राई करते थे ज्यादा से ज्यादा जो इंडियन सिख हैं उनको कनाडा लाएं। ये लोग पंजाब से जो लोग कनाडा आना चाहते थे उनको भी अलग अलग तरीके से हेल्प करते थे। कई केसेस में तो ऐसा भी देखा गया कि इन लोगों ने फेक मैरिजेस जो होती हैं उसका भी अरेंजमेंट कराया। एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूं, ये रियल स्टोरी है, बस इसमें मैं नाम चेंज कर दिया मैंने। एक आदमी था बलवंत नाम का, तो बलवंत इंडियन आर्मी में था और इसने 1970 में अर्ली रिटायरमेंट लेके एक गांव के स्कूल में वो पढ़ाने लगा और साथ में बीएड भी किया, लेकिन बीएड करने के बाद उसको नौकरी नहीं मिली
हाँ। उसके बाद वो जुगाड़ लगा के कनाडा पहुंच गया और वहां सेटल हो गया। अब बलवंत के दोस्त का भाई हरप्रीत कनाडा आया, अब वो इंजीनियर था तो उसको आसानी से इमिग्रेशन मिल गया और थोड़े दिन बाद उसने आगे चल के एक वाइट वुमन एशली से शादी कर ली। अब इसके चार साल बाद 1974 में बलवंत वापस इंडिया आया और इंडिया में शादी की और अपनी वाइफ को भी कनाडा में लाके उसको भी इमिग्रेशन दिलवा दिया। अब यहाँ पे भी बात रुकती नहीं है, बलवंत का एक दोस्त था सिमरजीत जो उसके साथ आर्मी में था, उसका कलीग था, वो भी कनाडा में विजिटर्स वीजा पे आया लेकिन उसको इमिग्रेशन नहीं मिला। तो हरप्रीत जो पहले आया था जिसने एशली से शादी की थी, एशली को डिवोर्स दिलवा दिया और उसकी शादी जो इसी सिमरजीत से करा दी। अब एक कैनेडियन वुमन से शादी करने की वजह से सिमरजीत जो था उसको भी सिटीजनशिप मिल गई और उसके कुछ टाइम बाद उसने एशली को फिर से डिवोर्स दे दिया और एशली ने दोबारा से वापस हरप्रीत से शादी कर ली। और आगे चल के बलवंत ने अपनी सिस्टर, साले, मामा मामी, मम्मी पापा सबको किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई जुगाड़ लगा के कनाडा बुला लिया। तो ऐसे करके एक आदमी भी अगर गांव से निकलता है कनाडा तो पूरा का पूरा गांव सेटल हो जाता था। तो धीरे धीरे करके जो सिख कम्युनिटी थी वो कनाडा के अंदर काफी स्ट्रांग हो रही थी, लेकिन इंडिया से इन्होंने अपने लिंक मेंटेन किए थे। ये लोग टाइम टू टाइम इंडिया से जो मशहूर पंजाबी सिंगर रहते थे, पॉलिटिशियन, राइटर, जो फेमस लोग रहते थे उनको बुलाते थे अपने प्रोग्राम में। कनाडा के अंदर भी ये लोग अपने कल्चर से रिलेटेड और फंक्शन करवाते थे और ये सारी चीजें अभी भी होती हैं। ये लोग पूरी तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स जो है उससे कनेक्टेड रहते हैं और जो आर्टिस्ट वगैरह ये लोग बुलाते हैं उनकी पूरी पूरी ट्रिप जो होती है वो भी स्पॉन्सर की जाती है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि कनाडा में इतनी सारी कंट्रीज के लोग आते हैं और सिख जो हैं वो पूरी पॉपुलेशन का कनाडा के अंदर 2% है, लेकिन कनाडा की पॉलिटिक्स में ये लोग इतने इंपॉर्टेंट कैसे बन गए? तो देखिए हुआ क्या था कि 1943 में 12 इन्फ्लुएंशियल जो सिख थे इन्होंने मिलकर ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर जॉन हार्ट से मिलकर बात की। उन्होंने कहा कि हम लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं कनाडा के हर सेक्टर में, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कनाडा के अंदर, हम हर सेक्टर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर टू जब हुआ था उसमें भी साउथ एशियन सोल्जर्स लड़े थे और अगर हमें वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे तो चाहे हम हो या आने वाली हमारी पीढ़ी हो वो कनाडा के अंदर हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन बन के ही रह जाएंगे। तो दो साल कंटीन्यूअस लड़ाई के बाद 1945 में लॉ पास कर दिया गया और 1947 तक वोटिंग राइट्स जो थे वो मिल गए थे। और जो सिख कम्युनिटी थी इसकी इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझती थी, जहां पे जापान वगैरह के जो सिटीजन थे वो वोट तक देने नहीं जाते थे, इन्होंने वोटिंग में जम के पार्टिसिपेट किया। यहां तक कि जब वोटिंग का टाइम आता था तो गुरुद्वारे तक में बोला जाता था कि वोट देना आपका राइट है, इसको आप जरूर दीजिए। अब देखिए सिख जो है वो कनाडा की पॉलिटिक्स में आगे कैसे बढ़े, इसके लिए कनाडा का जो इलेक्शन फ्रेमवर्क है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए कनाडा में जो इलेक्शन होते हैं वो यूएस की तरह नहीं होते हैं, यहां पे मल्टीपल पार्टीज होती हैं। तो अगर एक पार्टी को किसी एरिया में किसी कैंडिडेट को टिकट देना है तो ये जो डिसीजन है ये अलग अलग एक्टिविटी करा के डिसाइड करती है। जैसे किसी को पार्टी कह देगी कि इतने हजार सिग्नेचर लेके आओ लोगों के, किसी को कह देगी कि इतनी बड़ी कैंपिंग होनी चाहिए। ज्यादातर केस में ये होता था कि जो ज्यादा सिग्नेचर लेके आता था उसको टिकट मिल जाता था। सिग्नेचर लाना मतलब ये हुआ कि बाहर जाके लोगों के सिग्नेचर करा के उस पर्टिकुलर पार्टी से जोड़ना। जैसे मान लो इंडिया में बीजेपी पार्टी है, उसने कह दिया कि नोएडा से उसी आदमी को टिकट मिलेगा जो सबसे ज्यादा सिग्नेचर करवा के लाए। अब ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि कनाडा की जो पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका प्रेसिडेंट या फिर उस पार्टी का हेड कौन बनेगा ये उस पार्टी के सारे मेंबर्स वोट करके डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो बीजेपी के जितने मेंबर हैं, कार्यकर्ता वगैरह, छोटे बड़े सारे मेंबर, तो सब वोट करेंगे कि कौन पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा। अब भले ही कोई नेता कितना भी पावरफुल हो या फिर किसी का बेटा हो, लेकिन प्रेसिडेंट वो बनेगा जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। तो इसी तरीके से कनाडा में भी ये प्रोसेस चलता है। अब इसमें होता क्या है कि सिख कम्युनिटी है तो 2.1%, लेकिन ये कनाडा के अंदर बहुत ही क्लोज कनेक्शन में रहते हैं गुरुद्वारे की वजह से। ये लोग एक आदमी को सिलेक्ट करके खड़ा करते हैं और सारे सिग्नेचर और सपोर्ट उसी को मिलता है, वो डिवाइड नहीं होते। वहीं किसी और कंट्री की बात करोगे, जापान वगैरह की, तो वो लोग इतने कनेक्टेड नहीं है। और कनाडा की जो पॉलिटिक्स में ज्यादातर केसेस में ये होता है कि किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो इसमें जो सिख कम्युनिटी है उनके सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ती है। अभी रिसेंट सिनेरियो की भी बात करें तो कनाडा के अंदर चाहे वो लिबरल पार्टी हो चाहे कंजर्वेटिव पार्टी हो, किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली थी। इसलिए किंग मेकर बनाने का जो काम था वो जगमीत सिंह की एनडीपी पार्टी ने किया था। और एनडीपी के अंदर जगमीत सिंह का इसलिए बोलबाला है या फिर इसलिए वो उस पार्टी के हेड बने क्योंकि वो 47,000 नए मेंबर साइन करा के उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन कराया था। और जब ये डिसाइड हो रहा था कि एनडीपी का लीडर कौन बनेगा तो उस टाइम में टोटल 1,24,000 में से 35,000 से ज्यादा वोट जो थे वो जगमीत सिंह को मिले थे, जो रनर अप था उससे 3 गुना ज्यादा। कनाडा के अंदर सिख पॉलिटिकली कितने स्ट्रांग है इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि कनाडा के 388 एमपीज में से 18 सिख है और यही नंबर अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में टोटल 543 सीट्स में से 13 एमपी सिख है। इसके साथ साथ गुरुद्वारे में जो बड़े लेवल पे चैरिटी होती है, लंगर होता है, सेवा करना जो सिखाया जाता है छोटे छोटे बच्चों को, इसकी वजह से सिख की जो इमेज है वो बहुत ही अच्छी है। कनाडा के पॉलिटिशियन जो सिख पॉलिटिकल पावर को शुरू में इग्नोर कर रहे थे उनको बाद में इसकी इंपॉर्टेंस पता चली। हालात ये हो गए थे कि कुछ व्हाइट फीमेल कैंडिडेट भी सलवार कमीज पहन के गुरुद्वारे में सेवा करने लगी थी जिससे उनको सिख के वोट मिल सके। अभी भी आप अगर देखोगे तो पॉलिटिकली एक्टिव जितने भी गोरे हैं कनाडा के अंदर वो गुरुद्वारे में दिखेंगे आप। तो देखिए कनाडा के अंदर जो सिख थे वो अच्छे से सेटल हो रहे थे, इंडियन गवर्नमेंट
इंग्लैंड से रिलेशन भी अच्छे थे, पंजाब के लोगों से भी कनेक्टेड थे। लेकिन ईयर 1980 से 1990 का जो टाइम था, इस टाइम पे जो माइग्रेशन हुए इंडिया से कनाडा की तरफ, एक तो वो बहुत ज्यादा हुए और उसमें से भी जो लोग माइग्रेट कर रहे थे इंडिया से कनाडा, वो बहुत ही गुस्से के साथ माइग्रेट कर रहे थे। अच्छा। इसका जो सबसे बड़ा रीजन था वो था पंजाब की पॉलिटिकल सिचुएशन। भिंडर वाले और इंडियन गवर्नमेंट का जो क्लैश हुआ था उसकी वजह से पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था। ये पूरी की पूरी स्टोरी मैंने ऑलरेडी पुरानी वीडियो में कवर की है, इसके पीछे क्या रीजन थे और हिंदू और पंजाबी लैंग्वेज को लेकर क्या इशू हुआ था, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, हर एक चीज मैंने उस वीडियो में बात की है, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। तो ये जो सारे मुद्दे चल रहे थे इसको लेकर डिससेटिस्फेक्शन तो था ही। तो अचानक से 12th ऑफ अक्टूबर 1971 को जगजीत सिंह चौहान ने एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपवाया जिसमें उसने कहा कि इंडिया के अंदर सिख के साथ बहुत गलत हो रहा है, उनको एक सेपरेट नेशन चाहिए जिसका नाम है खालिस्तान और उस खालिस्तान का मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये उसने छपवाया। शुरू में किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन ईयर 1980 से लेकर 1990 में जो पंजाब के अंदर वायलेंस हुआ उसकी वजह से कुछ लोगों को एक खालिस्तान का जो आइडिया था उससे जोड़ने में कामयाब हो गए। 1984 में आपको पता ही है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जब इंडियन आर्मी को गोल्डन टेंपल में जाना पड़ा था और अकाल तख्त और गोल्डन टेंपल जो था वो डैमेज हो गए थे, इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी, उसके बाद दिल्ली के अंदर सिख को मारा गया और फिर दिल्ली दंगों के पीछे जो लोग थे उनको भी सजा नहीं मिली। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी पुरानी वीडियो में बता दी है मैंने, आपको पता ही है। लेकिन इन सारे इंसिडेंट की वजह से उस पर्टिकुलर टाइम पे सिख का जो इंडियन नेशनलिस्ट सेंटीमेंट था वो अब धीरे धीरे पंजाबी नेशनलिस्ट सेंटीमेंट में बदलने लगा था। अच्छा। और ये वो टाइम था जिसमें इंडिया से कनाडा की तरफ एक बड़ा सिख माइग्रेशन हुआ। 1971 में जहां कनाडा में 35,000 के आसपास लोग थे, वहीं 1981 में ये बढ़कर 67,000 से ज्यादा हो गया था। और 1991 में ये 1.5 लाख से ऊपर पहुंच गया था। और ये जो टाइम था, इस टाइम पे जो सिख बाहर गए थे जिन्होंने माइग्रेट किया था, उनकी मेमोरी में इंडिया को लेकर अच्छे विजुअल्स नहीं थे। गोल्डन टेम्पल और दिल्ली के दंगों को उन्होंने देखा था, 20,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी खालिस्तान और इंडियन गवर्नमेंट के क्लैश में। एक जमाने में पंजाब स्टेट इतना रिच था लेकिन इस टाइम पे उसकी इकोनॉमी बिल्कुल नीचे आ गई थी और इंडिया के बाहर जो सिख रह रहे थे उनके अंदर भी गुस्सा था कि उनको इंसाफ नहीं मिला। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कनाडा के वैनकूवर में बहुत से सिख प्रोटेस्ट हुए। इस टाइम पे बहुत सारे सिख प्रोटेस्टर्स ने वैनकूवर का जो इंडियन काउंसलेट था उसकी एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया था और ये वो टाइम था। अच्छा। इंडिया के बाहर कुछ ग्रुप्स ने खालिस्तान की जो डिमांड थी उसको बहुत ही तेज कर दिया था। अब टाइम के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने पंजाब के जो सिख थे उनके सेंटिमेंट्स को समझ के उनको रीच आउट किया, उनको मनाने की हर कोशिश की और काफी हद तक वो लोग कामयाब भी रहे। लेकिन इन दंगों के दौरान जो सिख बाहर गए थे और इंडिया के बाहर जो पूरी सिख कम्युनिटी थी उसको गवर्नमेंट ने कभी भी सही से रीच आउट करके समझाने की कोशिश नहीं की और जो बाहर रह रहे थे उनके पास जो न्यूज भी पहुंचती थी इंडिया के बारे में वो नेगेटिव पहुंचती थी। कई सारे स्टेप जो इंडियन गवर्नमेंट ने पॉजिटिव लिए थे वो चीजें भी नहीं पहुंच पाती थी। वेस्ट मीडिया अच्छा। भी इंडिया के बारे में जो न्यूज बाहर पहुंचाता था वो नेगेटिव ही रहती थी, दंगों के बारे में या फिर पॉवर्टी के बारे में। और ये जो मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं था कि जितने भी एनआरआईज इंडिया के बाहर रह रहे थे वो सारे के सारे ऐसे ही कर रहे थे। मैं कुछ चुनिंदा ग्रुप्स की बात कर रहा हूं जो उस पर्टिकुलर टाइम पे छोड़ के गए थे इंडिया को। अब देखिए उस टाइम पे कनाडा माइग्रेट करने वालों में कुछ तो जेन्युइन केस थे लेकिन कुछ लोगों ने इसका गलत यूज भी किया। असाइलम के थ्रू माइग्रेशन मिलना आसान हो रहा था तो कई लोग जुगाड़ से लेटर लिखवा के कनाडा में बता रहे थे कि उनके साथ गलत हो रहा है ताकि उनको असाइलम मिल जाए और माइग्रेशन में आसानी हो। असाइलम के थ्रू कनाडा और यूएस जाने का एक ट्रेंड सा चल गया था। अगर कोई पंजाब का नेता लेटर लिख के दे दे तो असाइलम मिलने में आसानी हो जाती थी। अच्छा। तो ट्रेंड जो था ये काफी लंबे टाइम तक चला। देखिए जो उस टाइम पे पंजाब में हुआ इसके बाद इंडिया के बाहर कई सारे आतंकी आउटफिट बब्बर खालसा जैसे एक्टिव हो गए थे। 1984 का बदला लेने के लिए ये लोग खुलेआम धमकी दे रहे थे और फिर इन आतंकी ग्रुप ने आगे चल के एक ऐसी चीज कर दी जिससे पूरी दुनिया दहल गई। बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI, इसको तलविंदर सिंह परमार ने लीड किया। इस आतंकी ग्रुप अच्छा। ने कनाडा के अंदर से बैठे बैठे बदला लेने की प्लानिंग स्टार्ट की। जून 1985 जब ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक साल हो गया था तो उस टाइम पे राजीव गांधी अमेरिका गए थे इन्हीं सारी ऑर्गेनाइजेशन का सॉल्यूशन निकालने। और इसी टाइम पे इंडिया से परमार और अजेब सिंह बगदी एक साथ कनाडा पहुंचते हैं और वहां मॉल्टन गुरुद्वारे में भाषण देते हुए एक हिंट देते हैं कि लोग एयर इंडिया से सफर ना करें। लेकिन उस टाइम पे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। कुछ लोगों को लगा कि इंडिया को बॉयकॉट करने की वजह से ऐसा कहा जा रहा है लेकिन ऐसा था नहीं। इधर इंडिया से भी बैक टू बैक रॉ ने इनपुट्स दिए कनाडा गवर्नमेंट को कि ये जो तलविंदर सिंह परमार है ये इंडिया के अगेंस्ट कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए आप इसको हमें दे दीजिए। एक्चुअली तलविंदर सिंह ने इंडिया में भी दो पंजाब के पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया था और 1970 में कनाडा चला गया था, इसीलिए इंडिया कनाडा से इसको मांग रहा था। उस टाइम पे जस्टिन ट्रूडो के फादर PM थे, उन्होंने भी सेम जैसे अभी जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर को देने को मना कर दिया था, उनके फादर ने भी सेम ऐसा ही किया था। उसने तलविंदर को देने के लिए मना कर दिया था लेकिन उसने एक चीज की थी कि तलविंदर की कॉल जो थी वो सर्विलांस पे लगा दी थी। 20 जून 1985 को तलविंदर सिंह के पास कॉल आती है, उसमें सामने से आदमी कहता है स्टोरी लिख दी, इधर से जवाब आता है नहीं। तो उधर से परमार कहता है
पहले स्टोरी लिख दो। बेसिकली ये लोग एयर इंडिया की फ्लाइट की टिकट खरीदने की बात कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे कोई इस चीज को समझ नहीं पाया था। अब इसके बाद डेट आती है 23rd of June 1985। कनाडा एयरपोर्ट से दो पैसेंजर एम सिंह एंड एल सिंह अपने बैग में बॉम्ब रख के कनाडा एयरपोर्ट पे जाते हैं। एल सिंह अपने बैग को टोक्यो की फ्लाइट में चेक इन करवा के रखवा देता है, और जो एम सिंह था वो लंदन से होते हुए इंडिया जाने वाली एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी जिसका नाम था एम्परर कनिष्का, इसमें रखवा देता है। और थोड़ी देर बाद ही दोनों के दोनों एयरपोर्ट से गायब हो जाते हैं। आज तक नहीं पता चला कि ये दोनों कौन थे। टोक्यो वाला जो बैग था जो चेक इन हुआ था वो प्लेन में रखने से पहले ही फट गया था, क्योंकि इन लोगों को टाइम जोन समझने में दिक्कत आ गई थी। लेकिन दूसरा जो बैग था वो प्लेन में पहुंच चुका था, और जब वो प्लेन आयरलैंड के पास पहुंचता है तभी वो जो बैग था वो फट जाता है। 329 लोगों की जान चली जाती है इसमें। इसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी बैठती है, जिसमें बताया गया कि ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल का काम था, जिसका जो मास्टरमाइंड था वो था तलविंदर सिंह परमार। इसमें जो बॉम्ब बनाया था वो इंदरजीत सिंह ने बनाया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंदरजीत सिंह को छोड़ के किसी और को सजा ही नहीं हुई। तलविंदर सिंह के ऊपर भी कनाडा ने बस $2,000 का ही फाइन लगाया था, लेकिन आगे चल के तलविंदर सिंह 1992 में पाकिस्तान के थ्रू इंडिया पहुंचता है, और उस टाइम पे जो पंजाब पुलिस थी वो इसका एनकाउंटर कर देती है। इस बाद भी ये जो आतंकी आउटफिट थे एक्टिव रहते हैं। पंजाब के जो सीएम थे बीएन सिंह, इनको पंजाब की सिचुएशन जिम्मेदार बता के बब्बर खालसा ने इनको मरवा दिया। देखिए सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये वीडियो इतना ब्रेक क्यों नहीं लग रही है? एनआरआई सिख जो है उसमें और खालिस्तानी में जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया छोड़ के जो भी कनाडा जाता है उसकी जिंदगी में खुद भी बहुत समस्या रहती है, वहाँ बहुत सारी चीजें डील करनी पड़ती हैं। परिवार और देश छोड़ के जाना आसान नहीं होता। लोग अपने बच्चों को लोन लेके भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनको अपने एजुकेशन को मैनेज करना होता है, अपने लिविंग एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको मैनेज करना होता है, उनके पास कहां इतना टाइम होता है कि वो एक नए देश की बात करें। और ये जो पूरा मसला है ये सिर्फ एक जनरेशन का है जो पंजाब के डार्क डेज थे उसमें जाके रेडिकल बन गए थे और कनाडा जाके रहने लगे थे। अब इनकी एज भी काफी हो गई है, ये लोग बूढ़े भी हो गए हैं, इंडिया में आके अब वो लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनका इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा खत्म नहीं हुआ, और वो ये बात बार-बार इसलिए करते हैं ताकि अगली जनरेशन को ब्रेन वॉश कर पाएं। खालिस्तान का मुद्दा इसलिए भी उठता है क्योंकि अब ये एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा भी है, तो फॉरेन मीडिया जो है वो भी इसको बहुत उठाता है ताकि इंडियन गवर्नमेंट पे एक प्रेशर बना रहे। जो एक आम सिख है जो पैसा लगा के अपने बच्चों को बाहर भेजता है उनको भी ये लोग गद्दार के ताने देते हैं, वो अगर इनके खिलाफ बोलते हैं तो इन पे भी अटैक होते हैं। अभी हरमन सिंह का केस आपने देखा होगा कि कैसे जब उसने खालिस्तानियों का अपोज किया तो उसकी पूरी फैमिली खतरे में आ गई थी, उनकी कार तक को टारगेट किया गया था। इसलिए अगर कोई सिख चुपचाप बैठ के अपने काम से मतलब रख रहा है और खालिस्तानी को गाली नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खालिस्तानी हो गया। इनफैक्ट उसको दोनों तरफ से गाली मिलती है, एक तरफ खालिस्तानी उसको डरपोक और गद्दार बोलते हैं, दूसरी तरफ इंडिया के कुछ लोग उसको देशद्रोही बोल देते हैं। अब जो खालिस्तानी है वो इंडिया के अंदर आके ये सारी चीजें नहीं कर सकते, इसलिए उनके पास एक ही रास्ता बचता है, इंडिया के अंदर सिख और बाकी कम्युनिटी में टेंशन क्रिएट करके। और जो लोग इस चीज को ना समझ के हर एक सिख को खालिस्तानी बोल रहे हैं वो एक तरह से देश का भी नुकसान कर रहे हैं। पंजाब में बहुत दिक्कतें हैं लेकिन खालिस्तान पंजाब की दिक्कत नहीं है। आप पंजाब में जाके बड़े बूढ़ों से बात करोगे जिन्होंने 1984 का टाइम देखा है, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि पंजाब के अंदर दोबारा गलती से भी ऐसा कुछ हो। पंजाब का सिख अगर कह रहा है कि पंजाब में बिजली की दिक्कत है या उसकी एमएसपी बढ़नी चाहिए या अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांग रहा है गवर्नमेंट से। इसका ये मतलब नहीं है कि वो खालिस्तानी हो गया। पंजाब के अंदर जो लोकल पॉलिटिक्स हुई है उसकी वजह से भी बहुत दिक्कत आई है, वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो पंजाब की इकोनॉमी जो एक टाइम पे सारे स्टेट्स में सबसे ऊपर थी, सबसे रिच स्टेट था, उसकी इकोनॉमी 19th नंबर पे आ गई है। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से शुरू में जो पंजाब को फायदा हुआ था अभी उसके डिसएडवांटेज भी सामने आ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, वाटर लेवल नीचे आ गया है। एक्चुअली हुआ क्या था कि देश आजाद होने के बाद पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी और जो फूड का प्रोडक्शन है वो बहुत ही स्लो था, और यूएस भी बहुत ही खराब क्वालिटी का गेहूं इंडिया को दे रहा था, उसके बाद जाके इंडिया का पेट भर रहा था। इसके लिए इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया, इसमें हाइब्रिड सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटी इंट्रोड्यूसिंग। और क्योंकि पंजाब पहले से ही एग्रीकल्चर रिच स्टेट था और पंजाब की सॉइल और एनवायरनमेंट इसके लिए सबसे सुटेबल थी, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी 5 नदी थी, इसलिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था जो इंडिया में लाया गया था सबसे पहले इसको पंजाब के अंदर ही इंप्लीमेंट किया गया था। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे पहला मोटिव था कि इंडिया का जो हंगर था उसको खत्म किया जाए, तो यही रीजन था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जब इंप्लीमेंट किया गया तो वीट और राइस पे फोकस किया गया और जो बाकी क्रॉप्स थी उनको इग्नोर किया गया, और पंजाब के अंदर मैक्सिमम केसेस में वीट और राइस ही उगाया गया। पंजाब ने इतना राइस और वीट प्रोड्यूस किया कि पंजाब को फूड बोल ऑफ इंडिया ये तक बोला जाने लगा था। इंडिया का जो सेंट्रल फूड ग्रेन था उसमें पूरे इंडिया का 29% राइस और 38% वीट अकेले पंजाब से आता था। आज भी पंजाब पूरे इंडिया का 17% वीट और
9.96% राइस प्रोड्यूस करता है। अभी जो पूरा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और राइस और वीट जो बहुत तेजी से प्रोड्यूस हुआ, इसका शुरू में तो पंजाब को बहुत फायदा हुआ। 1981 में पंजाब की जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो पंजाब इंडिया का रिचेस्ट स्टेट में से था, लेकिन 20 से 30 साल के अंदर पंजाब को इसी ग्रीन रिवॉल्यूशन का नुकसान भी हुआ। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वीट और राइस पे ज्यादा फोकस की वजह से बाकी क्रॉप्स जो थी वो इग्नोर हो गई। क्रॉप जिनको कम पानी चाहिए था वो रिप्लेस हो गई थी क्रॉप जिनको ज्यादा पानी चाहिए था, जैसे वीट और राइस। इसकी वजह से वाटर लेवल नीचे चला गया, पूरे पंजाब का वाटर लेवल नीचे गया। तो एक जनरेटर जो पहले एक घंटा चलता था वो पानी निकालने के लिए अब उसको 3-3 घंटे चलना पड़ा था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की भी दिक्कत आने लगी। डाइवर्सिफिकेशन ना होने की वजह से, सॉइल डिग्रेडेशन की वजह से एग्रीकल्चर ग्रोथ जो थी वो अब डाउन होने लगी। ऊपर से पंजाब की जो पॉपुलेशन थी वो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, तो नेताओं ने जो इंसेंटिव भी बनाए वो एग्रीकल्चर बेस्ड ही बनाए। जो आईटी इंडस्ट्री थी उनको इग्नोर किया गया। जब बाकी स्टेट में आईटी सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, वहीं पे बड़ी बड़ी कंपनियां जो इक्का दुक्का थी भी पंजाब से वो बाहर निकलने का सोच रही थी। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ने लगा। पंजाब की जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो पहले 5% थी और आज की डेट में वो 1.6% पे आ गई है। 2.92 लाख करोड़ का डेट हो गया पंजाब के ऊपर। और पंजाब का जो यूथ है वो अब एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, जो कि पंजाब में नहीं मिल पा रही है। इसलिए उसको एक ऑप्शन दिखता है कि कैसे भी करके वो बाहर निकल जाए और सेट हो जाए। और जो किसी वजह से नहीं जा पा रहा है वो अलग अलग तरीके से अपनी आवाज उठाएगा। अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो पंजाब को इकोनॉमिक ग्रोथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी देखिए, जो वीडियो है ये पार्ट वन है, मुझे पता है कि आप अभी जो करंट इशू है निज्जर वाला उस पर भी आप वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उस पर मैंने ऑलरेडी काम कर लिया, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। वो पार्ट टू मैं अभी नेक्स्ट वीक ही रिलीज करूंगा। अच्छा जी भाई, अभी तो ये पार्ट वन है, अगर आप पार्ट टू देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा, मैं इसका पार्ट टू का प्रोडक्शन जो है वो रिएक्शन बना दूंगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे बता सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, इन्होंने इवन के बिगिनिंग जो सी है वहाँ से लेके अभी अभी तक तो नहीं, मतलब कि 2009-10 तक इन्होंने कवर कर दिया कि जब पंजाब के अंदर जो है ना वो एग्रीकल्चर बूम आया था, तो अब जैसे ही डाउनफॉल शुरू हुआ है वो अब इसको सेकंड पार्ट के अंदर कवर करेंगे, उसके बाद फिर निज्जर वाला जो है इसको भी वो कवर करेंगे अगले पार्ट में। तो लेट्स ही देखते हैं कि दूसरे पार्ट के अंदर हमें ये क्या क्या बताते हैं। और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, काफ़ी लंबी वीडियो थी, इसके पूरी देख कर जाइएगा। बट मुझे पता नहीं चला, अगर मैं बी ओनर्स बताऊँ तो इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी कि मुझे 30 मिनट का पता नहीं चला कि 30 मिनट कब गुजर गया, 30 नहीं बल्कि 31 मिनट। तो चले लेट्स ही देखते हैं कि दूसरा पार्ट कब आता, उसके ऊपर भी आपका रिएक्शन डाल देगा। तो डेट्स फॉर टुडे रिएक्शन, तो बड़ा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड हुदा हाफिज़।